Kartika, have you heard about Kota? So what you have heard about Kota? Kota is very So hello everyone, तो मेरे साथ कार्टिका है, तो जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है नीट में, तो अभी मैं हूँ तन्मय के साथ. सो नीट 2021 ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है. और कैमरा भी इन्हीं को फोकस कर रहा है, मेरे को नहीं कर रहा है, इन्हीं को कैमरा ने ये फोकस कर रखा है, तो मेरा चेहरा टिल्ट हो जा रहा है. okay, तन्मय, सो कैसा लगता है ये? हाउ डज इट फील टू बी अ टॉपर? इट एक्चुअली फील्स रियली वंडरफुल, रियली एन अमेजिंग फीलिंग. सो थैंक्स अ लॉट कार्तिका फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू. सो कुछ सवाल है स्टूडेंट्स का जो मुझे पूछना है आपसे. सबसे पहला सवाल है एक स्टूडेंट का, जो कि है, व्हेन इज द पॉइंट दैट यू गेट टू नो दैट आपकी रैंक टॉप 10 या टॉप 100 में आने वाली है? ऐसा एक पॉइंट आई डोंट थिंक है, बिकॉज एग्जाम के अराउंड एक महीने पहले अगर आप कंसिस्टेंटली 700 या 710 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, तो आई थिंक आप एक एश्योरेंस रख सकते हो कि आप नीट में टॉप 500 या 200 में आ सकते हो. When is the point that you get to know that कि आपकी रैंक टॉप 10 या 100 में आने वाली है? रैंक पता करना बहुत मुश्किल है, तो एग्जैक्टली मुझे कि टॉप 100 में आने वाली है ये शायद से मुझे आइडिया हो गया था आंसर के चेक करने के बाद, लेकिन फर्स्ट है या टॉप 10 में आएगी वो मुझे लास्ट में पता. जैसे कि पढ़ाई के समय में कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह आती थी, कैसे डिस्ट्रैक्शन वगैरह को दूर रखा आपने? जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो जनरली मोबाइल होता है या टीवी होती है, कुछ गेम हो सकती है, तो उन डिस्ट्रैक्शंस को आप डेली शेड्यूल में ऐड कर लो, टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि वो सारी चीज़ें आप एक पर्टिकुलर टाइम में कर रहे हो. मुझे टीवी देखना पसंद था, तो मैंने टीवी को अपने टाइम टेबल में रखा था, बिल्कुल ही मैंने बंद नहीं कर दिया था, तो बिल्कुल ही ओमिट मत कर दो चीज़ों को, उनको अपने साथ में अपनी हॉबीज़ अपने स्ट्रेस बस्टर की तरह रखो, तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेंगी फिर. सो reference book other than NCERT that you would like to suggest? I had not used any reference book like other than my institute's coaching modules. I had used only NCERT and the Akash Institute's coaching modules, nothing else. ठीक है, तो ईश्वर का ये भी जानना है कि एग्जाम के टाइम में स्पीड कैसे बढ़ाएं, यानी कि ताकि वो पेपर सॉल्व करें. ऑब्वियसली उसके लिए तो तैयारी पहले से ही यानी कि करे रहना चाहिए, तो जो प्रिपेयर्ड है, फुल्ली प्रिपेयर्ड है, तो आप एग्जाम में बैठे हैं, उन्हें कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहिए ताकि स्पीड इंक्रीज कर पाएं? तो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने के कुछ ट्रिक्स अगर पता होगे तो अच्छा होगा, ताकि आप कैलकुलेशन में कम टाइम स्पेंड करो, और बहुत सारे जितने फॉर्मूलेज आप याद रख सकते हो उतना ही अच्छा है, सच दैट आपको यू नो फॉर्मूलेज बार बार डिराइव ना करना पड़े एग्जाम में. और आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लाइक स्पेशली फिजिक्स में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी. सो कार्तिका, हैव यू हर्ड अबाउट कोटा? यस. ओके, सो व्हाट यू हैव हर्ड अबाउट कोटा? Kota is very famous for coaching centers and for creating topics. Have you visited Kota ever? No. अच्छा तन्मय, एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स काफ़ी मेरे से पूछते हैं कि क्या नीट के लिए ड्रॉप लेना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. आपके पास 2 years होते हैं अगर आप NCERT बेस्ड पढ़ाई करते हो, एंड जो नीट के लिए आपको चाहिए वो टॉपिक्स पढ़ते हो, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाते, एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करते हो, तो 2 years बहुत है नीट के लिए. कार्तिका, कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि क्या आप लोगों को भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह आती थी पढ़ाई के समय में? यस, मुझे जो डिस्ट्रैक्शन होती थी मैं उनको पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करती थी, लाइक मुझे एनिमेटेड सीरीज इतना पसंद था, मैंने उनको अवॉइड किया एग्जाम के वक्त. जैसे कि आई थिंक हर इंसान को अपने डिस्ट्रैक्शन पता होने चाहिए, उनको कौन सी वो एग्जाम के साथ चला सकते हैं प्लानिंग के साथ, कौन सी वो नहीं चला सकते, नहीं चला सकते उनको अवॉइड करना. कुछ रेफरेंस बुक के बारे में भी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं अदर देन NCERT? NCERT थी या आकाश की मॉड्यूल थी क्वेश्चंस के लिए, अदरवाइज रेफरेंस बुक क्वेश्चंस के लिए आई यूज्ड टू रेफर DPPs. राइट, अदर देन एल्स नथिंग फॉर द टेक्स्ट. आपने आकाश में कितने साल तैयारी किया? 11, 12 years. ठीक है. ओके, सो ये हमारे साथ तन्मय रहे, इन्होंने आपका जो भी क्वेश्चन था उसका जवाब दे दिया, और बाकी जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछते रहिए, और भी टॉपर्स के साथ हम उसका जवाब लाते रहेंगे. सो थैंक्स अ लॉट तन्मय फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सर. आई वुड वेट कि आप लोग कोटा हो एंड वहाँ पे हम चीज़ों को कवर करें आपके साथ. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.